चेंज एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो डेफिनेशन है वो दोबारा से एक बार फिर उसको रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। एटीट्यूड्स आर लर्न्ड प्रीडिस्पोजिशन टू इवेलुएट अ पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्ट बिहेवियर और आइडिया पॉजिटिवली और नेगेटिवली। यानी कि एटीट्यूड पूर्ववर्ती अधिगमित होते हैं जो कि किसी व्यक्ति ऑब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। ये एटीट्यूड की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि क्या एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। यस, एटीट्यूड आर ससेप्टेबल टू चेंज बिकॉज दे आर लर्न्ड। और जो चीज़ लर्न्ड होती है, जो सीखी हुई होती है, उसमें बदलाव की संभावना अधिक होती है। दे कैन बी मॉडिफाइड बाई वेरियस प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसेस इवेंट्स एंड सडन लाइफ टर्न। इसके बाद आता है कि क्या एटीट्यूड्स बदले जा सकते हैं, वो कौन से हैं। तो जो एटीट्यूड फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, बडिंग होते हैं, फ्लेजलिंग होते हैं, जो एटीट्यूड नए बन रहे होते हैं, दे आर इजियर टू चेंज कंपेरेटिवली देन द एटीट्यूड विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर्मली। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन लोग हैं वो आर इंटरेस्टेड इन एटीट्यूड चेंज। नंबर वन, कम्युनिटी लीडर्स। नंबर टू, पॉलिटिशियंस, प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, एडवर्टाइजर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। ये सारे लोग दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन एटीट्यूड चेंज बिकॉज समवेयर और अदर दे आर लिंक्ड टूगेदर। एटीट्यूड हैज बीन चेंज, एटीट्यूड इज लिंक्ड टू देम। राजनेता है वोट बैंक के लिए, कंज्यूमर गुड्स है अपने प्रॉफिट के लिए, एडवर्टाइजर्स सो दैट दे कैन प्रमोट गुड्स एंड चेंज एटीट्यूड, कंज्यूमर उसको बाय कर सकते हैं, टीचर्स पेरेंट्स शिक्षा के प्रति समाज के प्रति दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन एटीट्यूड चेंज। अदर स्टेक होल्डर्स आपके फ्रेंड हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, और भी जो आपके नियर एंड डियर वंस जितने सारे हम कम होल्डर स्टेक होल्डर्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, यानी कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी होता है इसको कहते हैं हम, यानी कि बैलेंस संतुलन का एक संप्रत्य। इसका जो कंसेप्ट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस प्रकार एटीट्यूड बदलता है। तो ये दिया है फ्रिट्ज हेडर ने 1958 में, इसको हम पियोस ट्रायंगल और पियोस मॉडल भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स, जो पियोस मॉडल है या पियोस ट्रायंगल है ये एक्सप्लेन करता है हाउ एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल्स और ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल। अब आप देखें कि एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति व्यक्ति के कैसे एटीट्यूड का विकास होता है और उसमें कैसे बदलाव हो सकता है। इसमें आप देखेंगे पियोस ट्रायंगल, नाम से ही ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल होता है ये। आप देखिए लाल एक ट्रायंगल आपको इसमें दिख रहा है, ऊपर आप देखेंगे पी, फिर एक नीचे इधर आपको लिखा हुआ है ओ और इधर लिखा हुआ है एक्स। आप इसको हम वन बाय वन विल एक्सप्लेन इट। पी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति में बदलाव का अध्ययन करना है, यानी कि जिसके एटीट्यूड की स्टडी करनी है, चेंज ऑफ एटीट्यूड में होना है उसकी स्टडी करनी है, वो मेन पर्सन होता है। ओ का मतलब है अदर पर्सन, यानी दूसरा व्यक्ति, कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन करना है। और एक्स का मतलब होता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट या वह विषय जिससे संबंधित अभिवृत्ति का या एटीट्यूड का अध्ययन करना होता है। तो ये पियोस मॉडल है, ये एक्सप्लेन करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड विच आर पी ओ एक्स। फ्रिट्ज हेडर बताते हैं कि व्यक्ति की जो टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो साइकोलॉजिकल बैलेंस की या साइकोलॉजिकल इक्वलिटी की होती है। व्यक्ति हर समय अपने रिश्तों में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक साइकोलॉजिकल बैलेंस ढूंढता है, और अगर किसी कारणवश वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उस इम्बैलेंस से इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रेस और टेंशन का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक बेचैनी बढ़ती है और उस बेचैनी को, उस साइकोलॉजिकल इनइक्वालिटी को, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए बैलेंस की ओर बढ़ता है, और वो बैलेंस एटीट्यूड चेंज यानी अभिवृत्ति परिवर्तन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को, जो पियोस मॉडल हमने स्टडी की, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो अब आप पुरानी स्लाइड एक बार फिर से देखिए जिसमें ट्राइंगल बना था।
ये देखिए पी है, ये ओ है, ये एक्स है। अब इस एक्स पी और ओ के अंदर बैलेंस की स्थिति कब आती है? आप देखेंगे पी और ओ के बीच में दो प्रकार के रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पी और एक्स के ओ के बीच में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स और ओ के बीच में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, पी और एक्स के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, किसी प्रकार का रिलेशन हो सकता है। अब आप देखेंगे कि दो प्रकार से दो ऐसी स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति का बैलेंस होता है, साइकोलॉजिकल बैलेंस हो सकता है, और दो ऐसी स्थितियां होती है जिसमें साइकोलॉजिकल इनबैलेंस होता है। साइकोलॉजिकल बैलेंस कब होता है? जब तीनों साइड्स यानी तीनों के बीच में आपस में जो संबंध होते हैं वो अगर पॉजिटिव है तो साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है, और दो साइड्स के में अगर नेगेटिव है और एक साइड अगर पॉजिटिव है तब भी साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है। अब इनबैलेंस की बात करते हैं, अगर तीनों साइड्स नेगेटिव है तो इनबैलेंस होता है, और अगर दो साइड्स पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है तब उसके अंदर इनबैलेंस होता है। ये साइड पॉजिटिव नेगेटिव का अर्थ ये है कि दो पी और ओ के बीच में, पी और एक्स के बीच में, और एक्स के बीच के जो संबंध की बात करते हैं वो है। अब हम उस ट्रायंगल को एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो एक्स है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम मान लेते हैं गौरी, दहेज यानी पर्सन का उस दहेज के प्रति कैसा एटीट्यूड है। मान लिया जाए ये व्यक्ति इस दहेज के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव रखता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये दहेज इसके लिए सही है, ये दहेज लेना पसंद करता है। उसी तरफ ओ और एक्स के बीच में जो ओ अदर पर्सन है, जो कंपेरिजन पर्सन है, वो उसका भी इसके प्रति पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि वो भी दहेज लेना पसंद करता है। आप देखेंगे पी और एक्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो गया, और एक्स के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन हुआ। नाउ लेट अस सी पी और ओ के बीच में, यानी पी जो है ओ को पसंद करता है, दोनों दोस्त हैं। आप देखेंगे तीनों पॉजिटिव रिलेशन हुए, तो इसमें साइकोलॉजिकल बैलेंस हुआ, किसी प्रकार के स्ट्रेस और टेंशन होने की इसके अंदर अब जरूरत नहीं है, कोई इसमें नहीं जन्म होता है। अब आप एक एग्जाम्पल फिर देखिए, पी और ओ के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि पी दहेज लेने को एक बुरी बात मानता है, ओ और एक्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी ओ जो है दहेज लेने को एक सही बात मानता है। अब पी और एक्स के बीच में आप देखेंगे नेगेटिव है, ओ और एक्स के बीच में पॉजिटिव है। अब बात आती है पी और ओ दोनों दोस्त हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो और एक नेगेटिव है तो श्योरली ये इम्बेलेंस की स्थिति आएगी, क्योंकि जो ये एक दोस्त है ये दहेज लेना बुरी बात मानता है, जबकि ये जो है दहेज लेना अच्छी बात मानता है, तो ये एक तरह से इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन तो है, लेकिन वो नेगेटिव का काम करता है, दोनों के बीच में एक डिसलाइक उत्पन्न होता है, और इससे इस व्यक्ति के बीच में इम्बेलेंस उत्पन्न होता है और वो स्ट्रेस और टेंशन को जन्म देता है। यह उस स्ट्रेस और टेंशन को किस तरह दूर कर सकता है? या तो अपना दहेज के प्रति एटीट्यूड को बदल ले, पॉजिटिव बना ले, या इसके तरह बना ले। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया तो ये दो नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह से बैलेंस उसका बन जाएगा। इसी तरह से दोनों स्थितियां, चारों स्थितियां हमारे पास उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार से एटीट्यूड चेंज करके व्यक्ति अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस बना सकता है। आप देखिए फोर सेट्स ऑफ बैलेंस रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। पी और ओ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, पी एक्स के बीच में पॉजिटिव, ओ एक्स के बीच में पॉजिटिव, तीनों में हो गया। अब देखिए हर में देखेंगे आप दो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इधर भी दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है। सेम एक ग्राफ आपके पास ये है, टेबल है अनबैलेंस की, इसमें आप देखेंगे दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव और तीनों नेगेटिव, तो इस तरह से तीनों जो है चारों स्थितियों में अनबैलेंस रिलेशनशिप उत्पन्न होते हैं। अब देखिए टू रिस्टोर बैलेंस, अनबैलेंस इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैलेंस रिलेशनशिप। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? दैट कैन बी ओनली डन बाई चेंज ऑफ एटीट्यूड। अब हम लास्ट में देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर 1958 में एक्सप्लेन किया था, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखिए माई फ्रेंड्स फ्रेंड इज माई फ्रेंड, या फ्रेंड मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरे दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त, तीनों पॉजिटिव रिलेशन हो गए, इसका मतलब बैलेंस स्थिति आ गई। अब देखिए माई फ्रेंड्स एनिमी इज माई एनिमी, यानी यहाँ पर फ्रेंड दोस्त हो गया, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, यानी दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, बैलेंस की स्थिति आ गई। माई एनिमीज फ्रेंड, मेरे दुश्मन का जो दोस्त है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इज माई एनिमी मेरा दुश्मन। अब देखेंगे मेरे दुश्मन का दोस्त
मेरा दुश्मन है, यानी दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो भी बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट भी देखेंगे, मेरे दुश्मन का दुश्मन इज माई फ्रेंड, यानी मेरे दुश्मन का जो दुश्मन है, यानी माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। आप इसमें देखेंगे दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो भी बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है। नाउ लेट्स गो फॉर रीकैप, क्विक रीकैप। एटीट्यूड डेफिनेशन, ये एक लर्न टेंडेंसी टू बिहेव पॉजिटिवली नेगेटिवली और रिमेनिंग न्यूट्रल टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट पर्सन, ये एक तरह की डेफिनेशन है। पीपल आर इंटरेस्टेड एटीट्यूड चेंज, पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, कम्युनिटी लीडर्स है, टीचर पेरेंट्स है, आपके दोस्त हैं, बहुत से लोग एडवर्टाइजर हैं, ये सारे के सारे इंटरेस्टेड होते हैं एटीट्यूड चेंज में। और मॉडल ऑफ एटीट्यूड यानी पीओएक्स मॉडल, किस प्रकार से अगर हम इस मॉडल को समझें, इसका एक टेक्निक और भी है कि ये ध्यान रखें कि जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाके बैलेंस रिलेशन बनता है। दो नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव बनते हैं, तीनों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव बनता है, बैलेंस हो जाएगा। दो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम उसका नेगेटिव आएगा तो इनबैलेंस रिलेशनशिप होगा, और तीनों अगर पॉजिटिव है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा यानी बैलेंस स्थिति आएगी। तो इसको आप इस मैथ की इक्वेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये रहा आपके पास पीओएक्स मॉडल, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।